सशक्तिकरण की आप बात करेंगे, पर घरों से ही वो एक इशू है। जैसे कि कोविड आया, अब लड़कियों को सबसे पहला पढ़ाई के लिए घर से ही रोका जाता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए, टीचरों के पास है, लेकिन जो जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, जिस तरह से लड़कियों के साथ इंगेज करना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। सेफ गर्ल सेफ चाइल्ड, तमाम सारे सौभाग्य योजना की बात करो, तमाम योजनाएं चल रही है, ग्राउंड स्तर पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? ग्राउंड स्तर पे इसीलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्कीम है, उसका अपने कुछ डिलीवरेबल्स है, मतलब उनको कुछ कुछ काम करनी है, मगर आप उनको अगर ये पूछेंगे कि आप काम करेंगे कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है, वो किसी के पास क्लियर नहीं है। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिजकांत। आप देख रहे हैं लगातार गवर्नमेंट की पहल है, लगातार बालिकाओं के लिए ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रही है। और मैं बात करूं एनजीओस की, तो वो भी लगातार सक्रिय है वर्क को लेकर के। इसे बता दूं, होटल जेमिनी में हूं और जेमिनी में यहां पर जो संस्था एक है जिसके तहत बालिकाओं के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है, आपको बता दें तमाम योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बात करूं सौभाग्य शिक्षा योजना या सेफ गर्ल सेफ चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं। और जो संस्था के मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो लगातार वर्क भी कर रहे हैं, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वर्क किया गवर्नमेंट की तरफ से, जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो ग्राउंड स्तर पे क्या है। मैम सबसे पहले आपसे, मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम अहिली चौधरी है, डॉक्टर अहिली चौधरी जी। ये जानना चाहता हूँ सेफ गर्ल सेफ चाइल्ड, तमाम सारे सौभाग्य योजना की बात करो, तमाम योजनाएं चल रही हैं, ग्राउंड स्तर पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? ग्राउंड स्तर पे इसीलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्कीम है, उसका अपने कुछ डिलीवरेबल्स है, मतलब उनको कुछ कुछ काम करनी है, मगर आप उनको अगर ये पूछेंगे कि आप काम करेंगे कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है, वो किसी के पास क्लियर नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ पे वहाँ के डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे, उनका भी खुद को उनको भी नहीं पता कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप सिर्फ मोटे मोटे चीज़ों को बोलने से नहीं चलेगा, एक होलिस्टिक बात कर रहे हैं तो आपको अगर आप कह रहे हैं कि हमको सेक्स रेशियो कम करनी है, या लड़कियों को उनका एक वन ऑफ द माइलस्टोन्स उनका है कि सेकेंडरी एजुकेशन में 82% लड़कियों को उनको एनरोल करानी है सेकेंडरी एजुकेशन, उसके ऊपर क्या काम हुआ, उनके खुद के आंकड़े नहीं हैं। तो यही है जो ग्राउंड स्तर पर हालात है। अच्छा, दूसरी बात कर लूँ, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम वर्क और भी हो रहे, जैसे आपने अभी कुछ कागज़ हमें दिए सौभाग्य शिक्षा योजना, इसके बाद क्वालिफाइड लेडीज़ टीचर की अगर बात करूँ तो बहुत कम स्तर पे है गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो इस पर किस तरीके से आप लोग वर्क कर रहे हैं? देखिए, एक तो अगर क्वालिफाइड, नाम सर आप? मेरा नाम आफाक है और मैं भी जोश के साथ काम करता हूँ, हम लोग 3 जनपदों में काम कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश के। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए, टीचरों के पास है, लेकिन जो जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, जिस तरह से लड़कियों के साथ इंगेज करना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। दूसरा, यहीं पर खुद यहाँ पर एक सवाल किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या सही में स्वच्छ टॉयलेट या फंक्शनिंग टॉयलेट्स हैं, या लाइब्रेरी है, या जो स्कूल में फैसिलिटी होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स की बात होनी चाहिए, जो समय पर किताबें हैं वो क्या उपलब्ध हो, या स्कॉलरशिप का जो है वो क्या लड़कियों को मिल पा रही है, जो स्कॉलरशिप में इतने सारे लूपहोल्स हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, नेटवर्क नहीं आता या कभी जैम हो जाती है वेबसाइट, तो वो सब इशू आते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को जितनी या विद्यार्थियों को जिस तरह से स्कॉलरशिप मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम होना चाहिए था खासकर सरकारी स्कूल में, वो उसको भी हमें देखने को नहीं मिला हमारे जिन जनपदों में हम काम कर रहे हैं। तो आपकी संस्था इस पर किस तरीके से वर्क कर रही है? नहीं, अभी देखिए, हम लोग एक पोस्टकार्ड अभियान पिछले 10 दिनों से चला रखे, हम लोग 1 लाख कोशिश हमारी है कि हम लोग 1 लाख पोस्टकार्ड उत्तर प्रदेश से भेजें, और उसमें 5-6 डिमांड है कि भाई एक स्कूल में ठीक से समय से पढ़ाई हो, लड़कियों को सही से स्कॉलरशिप मिल सके, लड़कियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जा सके, सुरक्षित माहौल मिले, अगर जिस आने जाने का जो रास्ता उनके लिए वो सेफ हो, उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, और अधिक से अधिक लड़कियों की जो फीस प्रापूर्ति है या जो ट्यूशन फीस है स्कॉलरशिप वो मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैम महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो लगातार गवर्नमेंट वर्क कर रही है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर देख रहा हूँ तो कहीं कहीं इंप्लीमेंटेशन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, इस पर किस तरीके की आप लोग की पहल रहती है, गवर्नमेंट से क्या मांग रहती है? मैम नाम पहले बता दो। मेरा नाम अनुराधा नेगी है और मैं भी जोश संस्था में काम करती हूँ। दरअसल अगर आप ग्राउंड की बात करें तो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम पिछले 3 सालों से लगभग यहाँ 3 जनपदों में काम कर रहे हैं लड़कियों के साथ में, तो हमारा काम क्या रहता है, उनको अवेयर करना। अब प्रॉब्लम क्या है, आप सशक्तिकरण की आप बात करेंगे, पर घरों से ही वो एक इशू है। जैसे कि कोविड आया, अब लड़कियों को सबसे पहला पढ़ाई के लिए घर से ही रोका जाता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर हम उनको अवेयर करते हैं, उनको स्कूलों तक पहुँचाते हैं, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब जब वो स्कूलों तक जाती हैं, वो जो हर्डल्स हैं, जैसे कि 8वीं के बाद अगर हम जैसे हम स्कॉलरशिप कैंपेन एक बहुत बड़े लेवल पे जो हमने रन किया, तो हमने ये देखा कि जो लड़कियां हैं 8 के बाद जो है उनको पैसा ना होने की वजह से वो लोग रुकती हैं पढ़ने के लिए। इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि
लड़कियां जो है अपनी मांगे जो है डिमांड्स अपनी निकाल के लाएं, हम लोग उनको आगे पुश करें थोड़ा सा वो, ताकि वो अपनी बातों को सरकार तक प्रेजेंट कर पाएं। क्योंकि स्कूलों में जो कहा जाता है जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स है, क्योंकि उनके लिए तो स्टेक होल्डर्स वहाँ पर वही हैं, तो उन वहाँ पर जो हर्डल आता है वो पहला वही है कि वो लड़कियाँ जो है अप्लाई करती हैं पर उनका जो एप्लीकेशन वो आगे फॉरवर्ड करने में इश्यूज़ आते हैं, उनके पोर्टल्स काम नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके की समस्या जो है। मैम एक बात और कर लूँ, आपने घर की बात तो कर ली, लेकिन अगर मैं शेयर ऑफ एजुकेशन की बात करूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो कोविड की बात अभी आपने की, ईयर 2019-20 के बाद से नियर अबाउट 0.60% डिक्रीज भी हुआ और लगातार ये डिक्रीज होता जा रहा है, 23 भी आ चुका है, नया बजट अभी जारी होगा, सब कुछ होगा, इस पर किस तरीके से आप देख रहे हो, क्या कुछ कहेंगी? मैम आपसे ही पूछ लेता हूँ ये प्रश्न। तो बेसिकली हमारी मांग ये है कि एक तो बजट लगातार कम होती जा रही है और उसके भी जो मेन एजुकेशन बजट है उसका 90% आपने एलिमेंट्री में खर्चा कर देते, तो सेकेंडरी एजुकेशन का जो पूरा शेयर है उसका इतना नेग्लेक्ट है और जो पैसा एलोकेट भी करा जाता है उसका भी आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका मतलब कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा तो खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर लोग मतलब सरकार ध्यान दे और इस पर काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनसे बात कर रहे हैं। सर आपका सर नाम? मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं जोश संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सर अभी क्वालिफाइड टीचर्स की बात हो गई, बहुत कम है। दूसरी बात अगर मैं कर लूँ, अगर रिजर्वेशन की बात करूँ महिलाओं की किसी भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में, तो उसकी भी बात जब आती है तो महिलाओं को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। आपके पास भी तमाम समस्याएँ लेकर के आते होंगे लोग, तो इस पर आप लोग वर्क किस तरह करते हैं? देखिए जहाँ तक टीचर्स की बात है, टीचर्स के नामांकन की बात है, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अभी सारे स्कूल्स में टीचर नहीं है, उनकी कमी है। करीबन अभी मैं किसी ने साथी ने बोला, कोई सरकारी साथी थे, कि हमारे पास 54% टीचर कम है उत्तर प्रदेश में। पर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जिसके लिए सरकार प्रयासरत है, धक्का मार रही है, आने वाले समय में हमें चीज़ें बदलती दिखेंगी। पर फिर भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है बहुत कि इस तरीके के संस्थाएँ, इस तरीके के लोग सरकार को लगातार बताएँ कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, शिक्षकों की स्थितियाँ क्या हैं, शिक्षकों की समस्याएँ क्या हैं, और जहाँ शिक्षक नहीं है वो विद्यालय काम कैसे कर रहे हैं। सर विद्यालयों की बात करते हैं, स्मार्ट करने की लगातार बात कर दी गई, दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल वर्क कर रहे हैं वो भी कहीं नहीं छुपा है, और यूपी में तमाम इस तरीके कॉलेज हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री लगातार वो भी वर्क कर, लेकिन गांव स्तर की अगर बात करें तो वहां पर स्मार्टनेस अभी नहीं आई है। जैसे आपने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ा शहर कहा जा सकता है, दिल्ली को मतलब ठीक है एक जिले की आप बात करते हैं बट वो एक शहर जैसा काम करता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समय लगेगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बहुत बड़ा मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, पर मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार कार्यरत है आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी। तो आपने यहां तमाम लोग को सुना, लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर के गवर्नमेंट वर्क कर रही है और ग्राउंड स्तर पर अगर वर्क नहीं पहुंच पा रहा है तमाम एनजीओ इस पर वर्क करती है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।